कंडा घाट में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ जिसमें दो मजदूरों की जान चली गई, जिसको लेकर सोलन के विधायक धनीराम चांडिल ने मौके का दौरा किया और घटना के क्या कारण रहे इस बारे में अधिकारियों से पूछताछ की। वहीं वे मजदूरों के परिवार वालों से भी मिले और उन्हें मदद करने की बात भी कही। आपको बता दें कि हादसे के समय मकान की नींव रखने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। करीबन 6 मजदूर खुदाई कर रहे थे कि अचानक मिट्टी का बड़ा खंड ऊपर से गिर गया। कुछ भाग्यशाली मिट्टी की चपेट में आने से बच गए, लेकिन दो मजदूर उस मिट्टी के मलबे में आ गए। सरकारी अमला मौके पर पहुंचा और मिट्टी में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का कार्य चलता रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश मजदूर मलबे में काफी समय दबे होने के कारण जिंदा न बच सके। इस मौके पर सोलन के विधायक धनीराम चांडिल ने घटना पर खेद जताते हुए कहा कि वे इस दुखद घटना पर मृतक मजदूरों के परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार जो राहत राशि मिलनी चाहिए वे जल्द से जल्द दिलवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ये घटना अति दुखदायी है क्योंकि मजदूरों को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश मलबे में दबे मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। कंडा घाट में एक बड़े ही दुखद घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पे 5-6 मजदूर काम कर रहे थे और एक साथ की जो दीवार थी वो कच्ची मिट्टी उनके ऊपर आके गिर गई, जिससे दो मजदूरों की उपचार देने के बावजूद भी मृत्यु हो गई। उनके जहां हम दुखद घड़ी में सभी उनके साथ हैं, प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो इनको 4 लाख रुपए और प्रशासन देगा। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को पूरी सहायता भी पूरी जनता देगी, ऐसा मेरा मानना है।